ये मैंने इसलिए अपने करीब लगाया कि मुझे ये सारी जिंदगी याद रहेगा। जब भी मैं यहाँ पे बैठ के कोई हिसाब करूंगा या मैं कोई बिजनेस प्लान बनाऊंगा तो मुझे ये याद रहेगा कि जो मेरी पहली कमाई थी वो 300 रुपया नजरे बद से बचाए, हास दीन से बचाए। आप लोग भी अपने अपने बिजनेस शुरू करें, सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं, विंटर्स कलेक्शन भी आ चुकी है, सैंडल्स भी मेरे पास आ चुके हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। वैसे मैंने डिटेल रिव्यू उसका कल करना था, बच्चों के सैंडल भी आ गए हैं, ये वाली चीज़ें भी मेरे पास आ चुकी हैं, इस पर मैं रिव्यू डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बन शूज भी बच्चों के आ चुके हैं और जोगर्स बड़े बड़े मजे के आ गए हैं भाईजान। इसका डिटेल अलग से रिव्यू होगा, इसका रिव्यू अलग से होगा, पूरा कल डलेगा। और ये बड़े जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी के जोगर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बेट आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले पिक्चर भी लगाई थी अपनी, जो मेरी पहली जो मेरी कमाई थी मेरे कारोबार की 300 रुपया, उसकी तो बड़ा अच्छा आप लोगों ने फीडबैक दिया। तो इसको मैंने फ्रेम करवा लिया था, मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसको जो वॉल पे हैंग कर लिया जाए। जैसे ये सारे मेरे जो सारे सर्टिफिकेट डिग्रीज वगैरह लगी हुई हैं, इसको भी यहाँ पे लगा दीजिए ताकि एक सनत रहे। मेरी एक ये आदत है कि मेरे पास जो भी कोई सर्टिफिकेट्स या डिग्री या डिप्लोमा हो या कोई भी एप्लीकेशन लेटर मिलता है तो मैं उसको फ्रेम करवा लेता हूँ कि यार कभी ना कभी अगर अल्लाह ने चाहा कोई बड़ा आदमी बन गया जिंदगी में तो काम आएगा कि कैसे हमने जीरो से स्ट्रगल की थी। तो देखने में तो ये 300 रुपये कुछ भी नहीं है, अगर मैं किसी को बताऊँ कि मैंने कारोबार से पहले दिन 300 रुपये कमाया था तो वो हंसेगा, कहेगा यार शायद पागल है। मगर हर बड़ा जो सफर होता है वो जीरो से शुरू होता है, और ये मेरी जो पहले दिन की कमाई थी, अब की नहीं पहले दिन की, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, जब मुझे जॉब से निकाल दिया गया और मैंने कारोबार शुरू किया तो मुझे 300 रुपये प्रॉफिट हुआ था, और वो 300 रुपये मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने उसको फ्रेम करवा लिया। कैन यू बिलीव कि ये 300 रुपये को फ्रेम करवाने के लिए मुझे 550 रुपये पे करना पड़ा, मगर मैंने करवाया। 300 रुपये के नोट को मैंने 550 में फ्रेम करवाया, क्योंकि ये मेरे लिए लाखों रुपया था उस टाइम, कि मैंने एक अपना ज़िंदगी में पहली दफ़ा कारोबार शुरू किया और उससे मुझे 300 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो मुझे लगा कि इंशाल्लाह ये चलेगा और इसको जो ये नोट है मुझे इसको संभाल के रखना चाहिए। तो अब इसको यहाँ पे हैंग करते हैं, यहाँ पे ठक 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 ठोकते हैं इसको और फिर जो है देखते हैं कि दीवार पे कैसा लग रहा है। तो मैंने ये भाईजान इसको इधर लगा लिया, और जो यहाँ पे यू स्टूडियो वाला मेरा वो मेडल लगा हुआ था उसको मैंने उतार के अभी ऊपर लगाने लगा हूँ। तो ये मैंने इसलिए अपने करीब लगाया कि मुझे ये सारी ज़िंदगी याद रहेगा। जब भी मैं यहाँ पे बैठ के कोई हिसाब करूँगा या मैं कोई बिजनेस प्लान बनाऊँगा तो मुझे ये याद रहेगा कि जो मेरी पहली कमाई थी वो 300 रुपये। और जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसको नवाजता है, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआएं और सपोर्ट प्यार मोहब्बत मुझे ऐसे मिलता रहा तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस कारोबार को हम बहुत आगे लेके जाएंगे। अल्लाह नजरे बद से बचाए, हास दीन से बचाए। आप लोग भी अपने अपने बिजनेस शुरू करें, सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं, विंटर्स कलेक्शन भी आ चुकी है, नीचे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, जोगर्स भी आ चुके हैं, बच्चों के ये वाली चीज़ें भी मेरे पास आ चुकी हैं, इस पर मैं रिव्यू डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बन शूज भी बच्चों के आ चुके हैं, और भी काफ़ी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, बच्चों के सैंडल्स भी मेरे पास आ चुके हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ। वैसे मैंने डिटेल रिव्यू उसका कल करना था, बच्चों के सैंडल भी आ गए हैं, डिटेल रिव्यू उसका कल होगा, और क्या कहते हैं अच्छी क्वालिटी की भी चीज़ें आने लग गई हैं। जोगर्स बड़े बड़े मज़े के आ गए हैं भाईजान। इसका डिटेल अलग से रिव्यू होगा, इसका रिव्यू अलग से होगा, पूरा कल डलेगा। और ये बड़े जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी के जोगर हैं, इंतहाई बेहतरीन किस्म के, और बड़े मुनासिब कीमत पे आपको मिलेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।